हे प्रभु, ये मेरा जीवन मैं आपको समर्पण करता हूं। मुझे आप अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। हे प्रभु, इस सप्ताह का यह मेरा भेंट है, इसे आप अपने राज्य के बढ़ोतरी के सेवकाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो कुछ मेरे पास है सब कुछ आपका है खुदा। हे प्रभु, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं अगले हफ्ते मैं आपको दूंगा। इस बार मुझे ये रुपए चाहिए। हे प्रभु, ये मेरा हृदय आपको देता हूं, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे प्रभु, मुझे मेरा हृदय थोड़ा वापस चाहिए। हे प्रभु, यह मेरा समय मैं आपको देता हूं, आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हे प्रभु, यह समय मेरा है, मुझे थोड़ा मेरे दैनिक जीवन के लिए चाहिए।
मेरे बेटे, तुम संसार के कामों में इतने व्यस्त हो गए हो कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है? मुझे प्रेम, शांति, आनंद और सफलता चाहिए। हे ईश्वर, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे कौन से मार्ग में जाना है? मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग तैयार किया है। प्रभु, आप मुझे एक सही रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? यह मार्ग तो बहुत सकरा और पत्थर और कांटों से भरा है। आप मुझे क्यों इतना कठिन रास्ता में ले जाना चाहते हैं? धीरज रखो मेरे बेटे, तुम सही मार्ग में जा रहे हो। मुझे लगता है मैं गलत मार्ग में जा रहा हूँ और मैं इस कठिन मार्ग में चलकर काफी थक गया हूँ। अब मैं इस मार्ग में नहीं जाना चाहता। हटिए, मुझे उस मार्ग में जाने दीजिए। नहीं नहीं मेरे बेटे, यही सही मार्ग है। नहीं, ये रास्ता बहुत कठिन है, मुझे उस मार्ग में जाना है। आप मेरी परवाह मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? मुझे मेरा जीवन वापस दीजिए। खोए हुए हो, क्यों बंधे हुए हो, क्यों दौड़ रहे हो, क्यों पीछे पड़े हो, क्यों क्यों खोए हुए हो, क्यों बंधे हुए हो, क्यों दौड़ रहे हो, क्यों पीछे पड़े हो, क्यों क्यों इस दुनिया के ना देगी प्यार तुझे, ना देगी शांति, ना देगी जीवन ये दुनिया। ना देगी प्यार तुझे, ना देगी शांति, ना देगी जीवन ये दुनिया। हे मेरे पुत्र, तुम उसे क्यों छुप रहे हो? क्या तुम उसे डर रहे हो? तुम इतने निराश, थके और बोझ से दबे हुए क्यों लग रहे हो? मैं तुम्हारे हर आंसुओं को पोंछ कर, तुम्हारे सारे दुख दर्द को दूर कर तुम्हें शांति से भर दूंगा। मेरे बेटे,
मैं तुम्हारे सारे गुप्त पापों को भी जानता हूँ। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग से भी ज्यादा गाढ़े क्यों ना हो, मैं उन्हें अपने लहू से शुद्ध कर हिम के समान श्वेत कर दूंगा। मेरे बेटे, मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे लिए, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि यदि तुम अपने पापों को मान लो तो मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करने में और तुम्हारे सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। इसलिए मेरे बेटे, मन फिराओ और मेरे पास लौटाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।